तो दोस्तों आपने जो मैं अभी आपको कस्बा दिखाने वाला हूँ, ऐसा कस्बा आपने कभी नहीं देखा होगा। उस कस्बे की खासियत ये है कि उसमें जितने भी मकान, मार्केट या दुकानें हैं, सारी एक कलर की हैं। मतलब कि कोई भी मकान, दुकान या कोई भी जगह नहीं है जिस पे कोई अलग कलर हो, केवल एक ही कलर का पेंट हो रखा है। उसके पीछे जो रीजन है, जहाँ पे हम रुके थे होटल में, उस होटल मालिक से मैंने पूछा था कि रीजन क्या है, तो उसके बाद वो भी वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी आपको। पहले देखते हैं वो जो मार्केट है, यहाँ से रास्ता जा रहा है और उस मार्केट का जो कस्बा है उसमें सारे मकान और दुकान एक ही कलर के हैं। और ये मैंने अपने जीवन में जितना भी मैं घूमा हूँ फर्स्ट टाइम देखा है कि सभी पूरा गांव सिटी जो भी बोल सकते हैं, सब एक ही कलर का है। तो चल के देखते हैं। इतने मकान है सारे आपके गांव में, ये कस्बा जो भी है, तो वहाँ पर एक कलर के सभी क्यों है? मतलब क्या खासियत है, क्यों है, एक ये परंपरा है कि जो भी मकान बनेगा एक ही कलर का रहेगा? नहीं नहीं, ये इसके लिए आज से 2 साल पहले व्यापार मंडल ने एक पहल की थी कि हम लोग कुछ अपने बाजार को कुछ थोड़ा अलग एक पहचान देना चाहते हैं जी। तो इससे वो संबंध वो जिलाधिकारी से मुलाकात की, तो जिलाधिकारी महोदय ने इसके लिए थोड़ा बजट आवंटित किया, थोड़ा व्यापार मंडल ने अपना खुद का बजट लगाया, तो सारे जो बाजार क्षेत्र के जितने भी मकान हैं उनको सब एक कलर में, और दुकानों के जो नाम हैं सबके दुकानों के फॉन्ट एक ही फॉन्ट में सबके नाम लिखे हुए हैं जी जी। तो इससे बाजार को एक थोड़ा सा एक अलग सी पहचान मिली है। हर कोई आने जाने वाला आदमी जो भी है वो यहाँ पे रुक के थोड़ा सा इस बारे में जानकारी अवश्य करता है कि ये बाजार एक कलर में किस, यहाँ की साफ सफाई क्या है जी जी। यहाँ साफ सफाई मैंने काफी देखी, बहुत है। और ये कौन सा स्टेट है और कौन सी सिटी के अंदर कौन सा गाँव आता है? ये ढोलछीना यहाँ का नाम है जी जी, ये अल्मोड़ा जिले के अंतर्गत आता है जी जी जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आपका बहुत सुंदर और बहुत अच्छा है, ऐसे ही बनाए रखें, ये शुभकामना हमारी आपके लिए। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। बहुत अच्छा व्यू है, गजब का पहाड़, कैलाश मानसरोवर, हिमालय। लगी मेरे तेरे संग लगी है मेरे शंकरा, लगी मेरे तेरे संग लगी है मेरे। Thank you.